हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योर होस्ट रोचित पंगाल। आई होप यू आर फिट एंड फाइन। सो पीछे अभी क्या हुआ है, राकेश का फोन आ गया अभी और हमारे पीछे कोनी बैठी है और ये राकेश कोनी को पकड़ के बैठा है और ये यूं बैठे इसलिए बैठे क्योंकि अगर कोनी मुंह को नीचे करेगी ना तो वो वॉमिट कर सकती है। तो आज की व्लॉग की स्टार्टिंग ऐसे क्यों हो रही है, अभी हम कोनी को चेकअप के लिए लेके जा रहे हैं तो जो में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा यहाँ पे दर्द हो रहा है तो इसकी अभी मेडिसिन मिलेंगे और आगे करते हैं। कोनी ब्लूस कोनी दो कल इसको ना एक बार टेम्परेचर सा हो गया था, फीवर हो गया था। सो कल तो डाउन हो गया था बट फिर भी हम एक बार चेक करा लेते हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा होगी एकदम से इस हार में। अब ये जो महीना है ना जुलाई का, ये बड़ा मुश्किल वाला निकलने वाला है क्योंकि यहाँ पे ह्यूमिडिटी वगैरह ज्यादा हो जाती है। सबसे मेन वो खतरनाक जो मंथ होगा यही है। सो चलते हैं हॉस्पिटल और देखते हैं क्या रिपोर्ट है और होप करते हैं कोनी की रिपोर्ट बिल्कुल सही रहे, पर आपको इस जर्नी में साथ लेके चल ही रहे हैं तो चलो चलते हैं। कोनी को राकेश घुमाने लेके गया हुआ है और मेरे को डॉक्टर साहब ने ये ब्लड निकाल के दे दिया इसका। वैसे तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि भाई घबराने की बात नहीं है, आजकल हीट ज्यादा है, गर्मी बहुत ज्यादा तो हीट स्ट्रोक हो सकता है। तो मैंने हीट स्ट्रोक वाली ही ट्रीटमेंट करी थी जब इसका टेम्परेचर बढ़ गया था, बट फिर भी मैं यार कह रहा हूँ कि एक बार टेस्ट भी करा लेते कहीं टिक्स इन्फेक्शन ना हो। वैसे इसके टिक्स वाला हमने लगवाया हुआ था डोज। ये कह रहा भाई जल्दी चला जा क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, तो चलो चलते हैं और एक बार रिपोर्ट ले आते हैं। तो भाई टेस्ट कराने चलते हैं और मैं राकेश को कह कि अपनी भाई खड़ा मिलियो, वो कहता मैं इसको लेके भाग जाऊंगा, कोनी को लेके भाग जाऊंगा। तो मैं कहा कि भाई खड़ा मिलियो, देख लीजिए कोनी मेरी जान से प्यारे बच्चे है भाई, मेरे सारे बच्चे मेरे जान से प्यारे हैं। सो चलो चलते हैं, इसका एक बार रिपोर्ट करवा लेते हैं फिर देखते हैं, होप करते सब चीज सही आए। बाकी गर्मी है जहाँ तक मुझे भी लग रहा है, हीट स्ट्रोक की वजह से ही हुआ है, फिर भी देख लेते एक बार। तो दोस्तों रिपोर्ट आ गई है, मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, देखो शक्ल दिख रही होगी, मैं नहाया नहीं हूँ, सुबह सुबह उठ के आ गया था। तो रिपोर्ट सही है, बस WBC थोड़े बड़े हुए हैं तो थोड़ा इन्फेक्शन है, वो देखते हैं एंटीबायोटिक्स वगैरह देंगे सर डॉक्टर मतलब, और HB और प्लेटलेट्स वगैरह बिल्कुल सही है, बस इसके WBC बड़े हुए हैं, वो देखते हैं क्यों बड़े हुए हैं और डॉक्टर जो कहेंगे वैसे वैसे अपन फॉलो कर लेते हैं। चलो चलते हैं। राकेश कह रहा था मैं तो कोनी को लेके भाग जाऊंगा, तो जल्दी नहीं आया तो, और इतने फोन में फोन आ रहे थे और अब उसका फोन भी नहीं आया, मैं कहते लेके सही में तो नहीं भाग गया वो। हाँ भाई तू भाग गया नहीं लेके भाई। रुक जा टेस्ट आ गई, रिपोर्ट आ गई इसकी, कड़ा लेके जाऊंगा। रिपोर्ट आ गई इसकी, इसके थोड़ा सा इन्फेक्शन है, WBC बढ़ा हुआ है इसके, प्लेटलेट सही है इसकी, नो बैक्टीरियल इन्फेक्शन पता नहीं कहाँ से पकड़ लाई है ये मैडम, इसके एंटीबायोटिक्स लगा दी और एक ये कैप्सूला, भाई बड़ा महंगा कैप्सूल है यार, आप लोग बताना सस्ता मिलता है नहीं मिलता या हमें ये महंगा चेपा जाता है। ये ना 600 रुपये समथिंग के 6 थे ये, तो उन्होंने एक ही दिया कि एक ही देना कल, आज के तो इसकी ट्रीटमेंट कर दी है सारी और बाकी ये हो जाएगी ठीक, उन्होंने कहा कुछ भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कल तक ठीक हो जाएगी। एक तो गर्मी ऊपर से बैक्टीरियल इन्फेक्शन, गर्मी की वजह से हीट स्ट्रोक की वजह से भी थोड़ा इसका टेम्परेचर बढ़ गया था, तो इन चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है भाई, बड़ी दिक्कतें आती हैं, अपने डॉग्स का ध्यान रखो। और सारे बच्चे सही हैं, इना मीना और सबका एक बार हेल्थ चेकअप मैंने करा दिया था और थोड़े दिनों बाद फिर करवाऊंगा इन सबका, हेल्थ चेकअप करवाते रहना चाहिए। तो दोस्तों कोनी पीछे बैठ गई है और ये ऐसे बैठती है और मुझे सबसे ज्यादा खतरा है कि अभी इस टाइम में वोमिट ना कर दे, जिस हिसाब से बैठती है ना इसमें वोमिट कर देती है, सुबह खाली पेट है पर फिर भी भाई डर तो यही है वोमिट ना कर दे। राकेश चला गया, उसको कोई और जरूरी काम था, कोई नॉन आ गए थे तो उधर जाना पड़ गया, तो अब जल्दी जल्दी मैं ये बस भगवान का नाम लेके जल्दी जल्दी चल रहा हूँ कि ये वोमिट ना कर दे, बस वोमिट इसकी आदत है, ये कर देती है ऐसे बैठती है, तो पीछे मैं बैठ नहीं सकता आगे बैठ नहीं सकती, तो वही इशू है, अब देखी जाएगी भाई रास्ते में करेगी और क्या करेगी यार। बच के दोस्तों बच के आ जा, कोनी ने बिल्कुल भी वोमिट नहीं करी। सो दोस्तों फार्म पे आ गए हैं और ये हमारे केयर टेकर है आसमा जी, क्या हाल आसमा, बढ़िया मौज ले रहे हैं।
तो ये पप्पी आप लोगों को मतलब ये सेल पे है, किसी को भी लेना है ना कमेंट सेक्शन में या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, आप कॉल कर सकते हो पेट डॉस्ट्री पे। क्वालिटी आप देख लो कितना प्यारा पप्पी है, देख के पता चल जाता है ये कितना प्यारा बच्चा है, और बोन साइज और सब कुछ, और पीछे कोनी बैठी है। ये हम आपको पेट डॉस्ट्री से ही मिलेगा अगर आपको लेना है तो, ठीक है, और अच्छा बच्चा है। सो जिसको लेना है, जेन्युइन बंदे हैं, वो कॉल कर सकते हैं पेट डॉस्ट्री के नंबर पे, बाकी जो नंबर स्क्रीन पे आ रहा होगा उधर आप कॉल कर सकते हो। ओए शेरू, और ये केसीआई रजिस्टर्ड बच्चा है, सो आपको लेना है तो आप ले सकते हो। और अब चलते हैं, अब फार्म की अपडेट देते हैं। कोनी बिल्कुल सही है, बैठी है वहां पे। कोनी को नहला दिया था, पानी डाल दिया था इस पे, तो कोनी को अभी यहाँ बिठाया हुआ है, इसको अब निकाल लेंगे बाहर। थोड़ी देर इस बच्चे को घूमने का टाइम दिया हुआ है, फिर इसको निकाल लेंगे। ये देखो प्यार, देखो कितना करते हैं अपने पपी से। ये देखो। सो और भाई मोहित ने और पापा ने ये करवा दिया था माली से, कल करवाया था यार। फिर ये वाली घास मर क्यों गई भाई? ये ऊपर तो हरी भरी, धूप नहीं लगी ना इस वजह से, ऊपर तो पूरी पूरी हरी हरी हो रही थी। ये हो जाएगा, दो चार दिन में ठीक हो जाएगा। और इतने बड़े पौधे ये हो गए थे क्या? घास में तो लग ही नहीं रहे थे कि इतने भी है ये। और यहाँ पे ये लगा दिया था ये वाला पेड़, और यहाँ पे भी एक और पेड़ आएगा। चल रहा है अभी ध्यान में। आसमा का यहाँ पे पूरा मन लग गया। हाँ, आसमा का पूरा मन लग गया। एक दो दिन तो बेचारा थोड़ा सा रहा चुपचाप। हाँ, बट तो सभी के साथ घुल मिल गया, सभी को बाहर निकाल देता है, साफ सफाई अच्छे से कर ले। हाँ, बड़ा मस्ती से रहता है। हाँ, आसमा और ये दोनों तो ये सारे इकट्ठे रहे। सो भाई, हाँ, इस बच्चे की पहली वैक्सीन भी होगी है, तो सब चीज कम्प्लीट है, रेडी टू गो टू योर न्यू होम है। और बोन साइज वगैरह सब कुछ बढ़िया परफेक्ट है ये, एक साइड देखा जाए तो। ये देख लो, अरे ये देखो भाई, ये देख लो बस आप, ठीक है। सो कोनी को भी अब निकालते हैं। आसमा, आज क्या बना रहे हो? आज क्या बना रहे हो? आज चावल बनाएंगे। आज चावल बनाओगे? क्या होगा साथ में? सब्जी बनाएंगे। ये आसमा खुद के लिए बता रहे हैं कि वो क्या बना रहे हैं खुद खाने के लिए। जैसे कि ना, आसमा है एक नंबर आदमी भाई, ऐसे कहते है कि ना बाबू जी थोड़ा खाते हैं पर खाते बहुत अच्छा है। सो आज मैं पूरा शौकीन आदमी है खाने का, चिकन वगैरह फिश वगैरह खाते हैं ये तो खा। और अपने डॉग्स के लिए क्या बनेगा आज? डॉग्स के लिए क्या बन रहा है? चिकन। ये देखो डॉग्स का चिकन, ये बड़ा 3 किलो के आसपास चिकन है ये सारा। ये सारा बनता है हमारा, डेली बनता है ये। कोनी, ए बिट्टू, होगी ठीक तू है? आ जा ओए, आजा आजा, तेज आदमी है पूरा, गड्ढे में कूद गया था। आजा 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 आजा, आजा, आजा। इना ने डाल दिया नीचे वो। क्या हुई? दिखे 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 दिखे। कल्प्रेट देख लिया आपने? ये इना है कल्प्रेट, ये ना सारे डोंगे उठा उठा के नीचे फेंकती है सारे सारे। इना आज ये चारों एक में पता नहीं कैसे डाले हुए हैं। मैं जस्ट अभी फार्म पे पहुंचा हूँ, पोस्ते मुझे दिखे, और खुशी को अकेला करा हुआ है भाई। खुशी तेरे को अकेला क्यों करा हुआ है? चल तू बाहर, चल 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 चैन रे। आए 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 आए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ खुशी, आ जाओ उस पट्टी को लिया। हाँ, यही ना बात, यही ना बात, यही ना, खेलने दो खेलने दो, आजा खुशी खेल इसके साथ। खुशी, अच्छे मतलब एक एल्डर सिस्टर की तरह काम कर रही है ये, प्यार से मिल रही है इससे। खुशी खेल ले इसके, हाँ खेल ले खेल। तो दोनों अभी हम बाहर से आए, मैं और मोहित, और देखना हमारा स्वागत कौन कर रहा है। गुड्डू, खुशी खुशी, इस देखो दोनों साथ में खुले हुए हैं। ओए ओ देखना दोनों, अरे खोल दे आसमा, ये देखो ये देखो ये देखो। हाँ, बाहर नहीं आना बेटे, ये इतनी खतरनाक है, ये बाहर भी आ सके, कहीं से भी निकल, कहीं से भी, यहाँ से नीचे से निकल जाए। देखना देखना। सो दोस्तों देख लो व्यू,
गुड्डू भी आई भाई। चलो भाई, ये मम्मी मेरे से गुस्सा हुई हुई थी और मम्मी ने अपनी टीम में पापा को भी ले लिया है, दोनों एक टीम में हो गए हैं और इन्होंने मुझे फुल डांट मारी है भयंकर जी भर भर के। और इन्होंने नया टीवी भी ले लिया है देखो, और यहाँ पे फिर हेरा फेरी चल रही है फनी सीन्स यूट्यूब पे। क्या गई अब चुप चुप के आ गई है। चलो इसी के साथ इस ब्लॉग को एंड करते हैं। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। अभी दर्द पूरा तरीके से कम नहीं हुआ, अभी एक और डोज लेके दवाई की मेडिसिन की फिर सोंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, बाय बाय।